हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 2 नंबर से सबसे आसान तरीके से पीकॉक का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक पेंसिल और पेपर नहीं उठाया तो उठा लीजिए दोस्तों, और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आप जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक 1-2 नंबर लिख दीजिएगा, बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। इस तरह आपको 2 नंबर लिखना होगा। 2 नंबर लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। अब आप जो है 2 के ऊपर जो है एक छोटी छोटी लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करिए, इसको ध्यान दीजिएगा। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर के साइड में आप छोटे छोटे ऐसे पेंसिल की हेल्प से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आगे की तरफ जो है आप बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर ऐसे हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको करना क्या होगा, पूरा टच नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, अब आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फिर देखिएगा, अब आपको इसको कैसे डबल करना है, इसको हल्का सा यहाँ पर ऐसे करिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको डबल करेंगे तो यहाँ से आपको पूरा ऐसे डबल नहीं करना है, इसको हमें जो है देखिएगा, इसको जो है यहाँ से ले जाइएगा, फिर आप बहुत ही सावधानीपूर्वक थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हुए ले जाना होगा। एक हाफ सर्किल बनाते हुए आप यहाँ पैसे लाकर छोड़ देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है और नेशनल फ्लावर कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद अब आप जो है एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। अब आप इसको जो है आगे की तरफ ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ करिए, इसको भी हम ऐसे आगे की तरफ डबल कर देंगे। अब देखिएगा, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, इसको हमें यहाँ पे ऐसे बढ़ाना होगा, सेम प्रोसेस जैसे हमने इधर किया था, इसी तरह जो है आप इसको डबल करते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अब ये जो हमारा 2 वाला हिस्सा है, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आप इसको ऐसे नीचे की साइड में ले जाएंगे, एक हाफ सर्किल बनाते हुए फिर इसको हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, फिर यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर आप मिला दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, पहले तो एक छोटा सा यहाँ पे 3 नंबर लिख देंगे, फिर आपको जो है एक बड़ा सा 3 नंबर लिखना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा हाफ सर्किल बना दीजिए, इसी तरह जो है आप यहाँ पे 3 नंबर लिखिए, एक 3 नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप जो है नीचे के साइड में यहाँ पे ऐसे हल्का सा हाफ सर्किल बना दीजिएगा। हाफ सर्किल बनाने से पहले आप इसका पहले पूरा लेग बना दीजिए, यहाँ पे आगे की तरफ हाफ सर्किल करिए, इसको डबल करिएगा। डबल करने के बाद यहाँ पे छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हाफ सर्किल बनाइए, फिर इसको डबल करिए, फिर नीचे के साइड में करते हुए इसको ऊपर के साइड में हम मिला देंगे। यहाँ से जो है एक आप जो है यानी कि ट्री का जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्रांच बना दीजिएगा। ये जो हमारा पीकॉक बनेगा, ये जो है ब्रांच में बैठा हुआ पीकॉक बनेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे पहले तो आप जो है एक सर्किल ड्रॉ करिए, एक छोटा सा यहाँ पे सर्किल, सेम प्रोसेस जो है आप यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा। यहाँ पे छोटे छोटे हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे, सॉरी हाफ सर्किल नहीं, पूरा सर्किल ड्रॉ करना है, और बीच में जो है पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से, या आपके पास कलर ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर की हेल्प से छोटे छोटे पॉइंट लगा दीजिएगा। अब देखिएगा, पॉइंट लगाने के बाद आगे की तरफ जो है आपको लीप्स शेप में यहाँ पे ऐसे डबल करना होगा। यही सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा, आगे की तरफ बहुत सावधानीपूर्वक करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लीव्स बना रहे हैं, ये हमारा टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा थोड़ा टच हो गया, लेकिन आप जो है इसको टच बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर नीचे के साइड में कर देंगे, फिर इसको हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके जस्ट आगे जो है छोटी छोटी लाइनें बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही यानी कि आपको पास पास में जो है छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो आपको जो है बहुत ही यहाँ पे यानी कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा पीकॉक का चित्र बनाने में। यहाँ पे भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करते जाइएगा, फिर इसके बाद इसको भी हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे की तरफ छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, हम आपको बताते हैं अब आपको आगे क्या करना है।
ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ करेंगे यहाँ पे, फिर ऐसे अंदर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। अब इसको हम ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह जो है आप यहाँ पे भी अंदर बाहर करते हुए इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा हाफ सर्कल बना देंगे, छोटा सा नहीं, जितना आप यहाँ पे कवर करेंगे इतना ही आप यहाँ पे हाफ सर्कल बना दीजिएगा। हाफ सर्कल बनाने के बाद आगे के साइड में एक वी लेटर लिखिएगा, इसको हमें ऐसे मिलाना होगा। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, एक हाफ सर्कल बनाते हुए आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाइए, बीच में यहाँ पे छोटा सा हल्का सा एक यहाँ पे लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर अंदर की तरफ हाफ सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे, बीच में एक छोटा सा पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा पिकॉक का चित्र बन के तैयार हो गया है दोस्तों। अब देखिएगा, अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अब आप जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक इसके जस्ट यहाँ पर जो है आगे की तरफ जो है छोटी छोटी लाइनें पेंसिल की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।